नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीके गुरुजी में। आज के अपने इस वीडियो में हम एक मैथ का प्रश्न डिस्कस करेंगे, तो हम यहाँ जिस प्रश्न की बात करेंगे उसको पहले देख लेते हैं। तो प्रश्न हमारा क्या है, प्रश्न है कि एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, हारने वाले उम्मीदवार ने 41% मत प्राप्त किए तथा वह 5,580 मतों से पराजित हो गया, कुल मतों की संख्या कितनी थी। ठीक है, उसने कहा कि एक चुनाव हुआ जिसमें दो उम्मीदवार खड़े हुए, ठीक है, दो उम्मीदवार खड़े हुए, एक को मिले हैं 41% वोट, यानी इसका वोट शेयर परसेंट कितना है 41%। अब दूसरे को कितने मिले होंगे, तो दूसरे को 59% मिले होंगे। ठीक है, यह क्या होगा, ये हार गया और यह जीत गया। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। अब कितने मतों से हारा, यह 5,580 मतों से हार गया। ठीक है, यहां भी क्लियर, प्रश्न ने जैसा कहा था हमने वैसा बना लिया। एक चुनाव में दो उम्मीदवार रख लिए हमने, दो उम्मीदवार आपके सामने दिख रहे हैं, आपको मैदान में खड़े हैं लड़ने के लिए तैयार। ठीक है, अब एक को मिले हैं 41%, तो सिंपल सिटी है कि 100% वोटिंग होती है, तो दूसरे को 59% मिले होंगे। अब यह हारा है तो यह जीता होगा। अब कितने मतों से हारा है, यह 5,580 मतों से। बस कहानी यही खत्म। हमें मान लेते हैं कि जो कुल मत थे वह कितने थे, एक्स थे, हमें नहीं पता कितने थे। ठीक है, हमने मान लिया कि जो कुल मत थे, कुल वोटर्स थे, कितने थे, एक्स थे। अब जीतने वाले को कितने मिले, 59% और हारने वाले को कितने मिले, 41%, यानी इन दोनों का अंतर कितना है, 5,580। ठीक है, यानी जो जीतने वाला है और हारने वाला है, इसके मतों का अंतर कितना है, 5,580। बस जीता जो है उसको कितने परसेंट मिले, 59, तो 59/100। हारा जो है उसको कितने मिले, 41% बराबर 5,580। ठीक है, एलसीएम 100 ही आ जाएगा, यहां आ जाएगा 59x-41x बराबर 5,580। 59 में से 41 जाएगा, कितना बचेगा, 18 बचेगा, 18x/100 बराबर 5,580। तो x हमें निकालना है, तो 5,580 × 100/18। ठीक है, अब कट करेंगे, किया हमने 18 × 3 = 54, एक बचा, 18 × 18 यानी 310 आया, x बराबर 310 × 100, तो x बराबर हो गया 31,000। ठीक है, यानी जो मतों की संख्या टोटल थी वह कितनी थी, 31,000 थे, कुल मत थे 31,000, जिसमें से 41% मिले हारने वाले को, 59% मिले जीतने वाले को। उसने हमसे पूछा सिर्फ इतना ही है कि कुल मतों की संख्या कितनी थी, तो हमने सिर्फ वही निकाल दिया। ठीक है, अगर वह हमसे पूछ लेता कि जीतने वाले को कितने मिले, तो इसका 59% निकाल देती, हारने वाले को कितना मिले, तो इसके 41% निकाल देती। बस इतना, इसकी एक शॉर्ट विधि भी होती है, वो सिंपल सिटी सी होती है, यहाँ हम इसको लगा लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ है, 5,580 अधिक वोट मिले हैं। बात यहाँ पर याद रखना कि कितने वोट अधिक मिले हैं, 5,580। यह डिफरेंट है जीतने वाले और हारने वाले में। ठीक है, अब लेकिन अगर हम परसेंट के रूप में देखें तो कितना डिफरेंट है, इन दोनों में 18% का डिफरेंट है। ठीक है, गुणा कर देंगे 100 का, ये शॉर्ट ट्रिक होती है, आपको कुछ मानना आना नहीं है, यहाँ काट देंगे 310, 31,000 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसकी यह शॉर्ट ट्रिक होती है, जो दिया गया, क्या दिया गया था हमें, 5,580 मतों से पराजित हुआ, लेकिन हमने जब यहाँ एक्चुअली में देखा, इसके 41 है, इसके 59 है,
कितने मतों से पराजित हुआ, यहाँ पर 18% से पराजित हुआ, गुणा कर दिए 100 का, हमारा आंसर निकल के आ गया। ठीक है, तो यह शॉर्ट ट्रिक भी होती है, वह लॉन्ग ट्रिक है, हमने दोनों आपको बता दिए, जो भी आपको रखना हो रख लीजिए, लेकिन बात यह है कि जब एग्जाम में प्रश्न आए तो आपको सॉल्व करके आना है। ठीक है, तो ऐसे ही नॉलेज बढ़ाने वाले वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए आपके अपने चैनल पीके गुरुजी के साथ। नमस्कार।